हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाके बज रहे हैं मिनट। अब मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ कितना फैला हुआ हो रहा है। ये वाला रूम देखिए इतना गंदा हो रहा है, ये वाला भी इतना गंदा हो रहा है। अब मैं इसको साफ करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना हाउस कितना क्लीन करा है। ये भी देख लीजिए, यहाँ पर भी सब में फैला हुआ हो रहा है। देखें, अब मैंने अपना पूरा रूम क्लीन कर दिया है, सारा का सारा। मैं आपको दूसरे रूम में दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने सब कुछ क्लीन कर चुकी हूँ। बहुत टाइम लगा आज क्लीन करने में। आज हमारे घर बन रही है कढ़ी। अब मैं इसका सामान तैयार करूँगी, इसमें मैं फुलके डालूँगी, कढ़ी पकौड़ा। ये हुदा ने बनाई है, मेरी बहन ने कढ़ी, तो उसने बोला है कि तू इसमें फुलके बना के डालेगी, तो अब मैं उसकी तैयारी करने। हुदा ने घोल दिया है बेसन। अब इसमें मैं प्याज और धनिया और ये मिर्च काट के डालूंगी, फिर मैं इनकी फुलके बनाऊंगी। इधर मैं चिया सीड भी भिगो रही हूँ। मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी लेमिनेट की, उसके लिए मैं चिया सीड भी भिगो रही हूँ। और इस तरफ मैंने चिया सीड भी भिगो दिया है। अब मैं इससे लेमिनेट बनाती हूँ। अगर आपको कढ़ी की फुल रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको फुल रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। देखिए, मैं इसको मिक्स करके तैयारी कर रही हूँ ब्रेड का हलवा बनाने के लिए। अगर इसकी आपको फुल रेसिपी देखनी है तो मेरे शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हैं आप। ये शाम के खाने की तैयारी, जो इफ्तार के बाद खाएंगे। यहाँ मैंने चावल भिगो दिए हैं, यहाँ मैंने पकौड़ी के लिए आलू काट के रख दिए हैं। ये जो मैं लेमिनेट बनाऊँगी उसके लिए लेमन और चिया सीड जो आपको अभी दिखाए थे वो भिगो के रख दिए मैंने। अब मैं मिलती हूँ इन सबको बनाने के बाद आपको। बीच बीच में मैं सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी। मैं क्या खाएं, इधर मेरा ब्रेड का हलवा हो चुका है बिल्कुल रेडी, क्योंकि इफ्तार में अब नहीं है ज़्यादा टाइम, इसलिए मैंने पहले ही इसको बना के रख दिया है। इधर मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। मैं थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाऊँगी क्योंकि हमारे घर पे कोई ज़्यादा खाता नहीं है। यहाँ मैं फ्रूट चाट कट कर रही हूँ। ये मैंने लंबे लंबे पीस में कट करे हैं। हमारे घर ना कोई मतलब छोटे पीस में नहीं खाते। यहाँ पे लग चुका है दस्तरखान, यहाँ फ्रूट चाट तरबूज सब कुछ लगा दिया है। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका रोज़ा कैसे जा रहे हैं और मेरा दस्तरखान आपको कैसे